नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। बिहार की एक लोकसभा सीट और 5 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने के बाद आज नतीजे भी साफ हो चुके हैं। समस्तीपुर में रामचंद्र पासवान, जो कि चुनाव जीते थे 2019 लोकसभा सीट में, उनके बाद एलजेपी की तरफ से उनके निधन हो जाने के बाद टिकट दिया गया प्रिंस राज को, जो कि चिराग पासवान के भाई हैं, रामविलास पासवान के भतीजे हैं। तो कुल मिलाकर के चिराग पासवान की जो मेहनत है, ज़मीन पर जो उतरने के बाद उन्होंने काम किया समस्तीपुर में, वो काबिले तारीफ़ है। बिहार की राजनीति में उनके सियासत की चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि एक वो दिन भी था जब 2019 का लोकसभा चुनाव हो रहा था, खुद जमुई से चुनाव लड़ रहे थे चिराग पासवान, वो भी दूसरी बार, और उस दौरान भी उनकी मेहनत साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। काफ़ी युवा छवि के नेता हैं, युवा छवि हैं, युवा चेहरे हैं, और रामविलास पासवान जो कि उनके पिता हैं और केंद्र मंत्री हैं, लोजपा के सुप्रीमो हैं, उन्होंने बिहार की बड़ी जिम्मेदारी चिराग पासवान को सौंपी थी और उसके बाद ये चिराग पासवान का लिटमस टेस्ट माना जा रहा था, क्योंकि समस्तीपुर लोकसभा सीट एलजेपी के खाते में पहले से ही थी और मेहनत काफ़ी करनी थी। एक तरफ जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास का चेहरा कहे जाते हैं, दूसरी तरफ बीजेपी कद्दावर नेता सुशील कुमार मोदी और तीसरी तरफ रामविलास पासवान, खुद एलजेपी के सुप्रीमो, तीनों मिलकर के भी दरौंदा में अजय सिंह की साख नहीं बचा सके। वहां पर जदयू कैंडिडेट हार गया और दूसरी तरफ एक समस्तीपुर, चिराग पासवान शुरू के दिन से ही समस्तीपुर में उतर गए थे जब चुनाव आयोग की तरफ से उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया था। 21 अक्टूबर जिस दिन चुनाव हो रहे थे उस दिन भी चिराग पासवान काफ़ी एक्टिव थे और अपने भाई प्रिंस राज को जिताने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। प्रिंस राज का जीतना महज पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी था, लेकिन चिराग पासवान की साख का भी सवाल था, क्योंकि अगर इस चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस एलजेपी की तरफ से नहीं होता, अगर एनडीए का कैंडिडेट यहां से नहीं जीतता, तो कहीं ना कहीं सवाल उठते सीधे चिराग पासवान पर। लेकिन समस्तीपुर की ज़मीन फतह कर ली है चिराग पासवान ने और उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट अभी खिल कर आई होगी वो खुद चिराग पासवान भी बयान नहीं कर सकते, क्योंकि जनता ने एक बार फिर से उनके नेतृत्व को भरोसा दिया है और कहीं ना कहीं रामविलास पासवान ने जो बड़ी जिम्मेदारी चिराग पासवान को सौंपी उसमें चिराग पासवान अव्वल आए हैं। तो कुल मिलाकर के चिराग पासवान का कद अब और ज़्यादा बढ़ जाएगा, एनडीए में काफ़ी बढ़ जाएगा, क्योंकि जो बिहार में जो ये उपचुनाव हुए हैं 5 विधानसभा की और एक लोकसभा की सीट पर, उसमें 5ों विधानसभा में कहीं ना कहीं एनडीए का फैक्टर नहीं चला है। सिर्फ और सिर्फ समस्तीपुर लोकसभा सीट पर एनडीए के जो एलजेपी कैंडिडेट प्रिंस राज हैं उन्होंने जीत हासिल की है, भारी मतों से जीत हासिल की है, और इसका श्रेय कहीं ना कहीं चिराग पासवान को ज़रूर जाता है। हाँ, ये बात अलग है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी, रामविलास पासवान और एनडीए के कई और नेता समस्तीपुर में गए थे, चुनाव प्रचार किया था उन्होंने, लेकिन चिराग पासवान जमीनी लेवल पर काम कर रहे थे और उनकी मेहनत रंग लाई है। आप लाइव सिटी के साथ बने रहिए, हमको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट दे रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक करें, और सटीक नतीजों के लिए आप हमारे चैनल पर जाइए, आपको हर सीट के सटीक नतीजे मिलेंगे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए ताकि आपको खबरों के अपडेट्स मिल सकें, और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।